ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान कौहर कुछी आपकी खदमत में हाजिर। और अब तक में आज सबसे पहले बात करेंगे वज़ीरे आज़म के बयान के हवाले से। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अंदर एक इंतखाबी रैली के दौरान अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर, उन्हें जम्मू कश्मीर से प्यार है और वो लोग कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा और उसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो आर्टिकल 370 से प्यार करते हैं। जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है वहां मिलिटेंसी पर काबू पाया गया है। आज़ादी के 75 साल बाद वहां जमहूरियत मजबूत हुई लेकिन पाकिस्तान और उसके हामी पूरी दुनिया और आर्टिकल 370 की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं, उसकी कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन अब कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। पार्टी ने बाबा साहब के संविधान के साथ सबसे पहला विश्वासघात कश्मीर में किया था। पूरे देश ने बाबा साहब के संविधान को स्वीकार किया लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीर में अलग विधान चलाया, कश्मीर में हमारे तिरंगे की जगह अलग झंडा चलाया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के दलितों को उनके कोई अधिकार नहीं दिए। कश्मीर इतने दशकों तक आतंकवाद की आग में जलता रहा। कश्मीर में अलगाववाद फलता फूलता रहा। देश को पता भी नहीं चलने दिया। इस देश में 75 साल तक दो संविधान, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे वहां कांग्रेस गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिला। सरकार बनाते ही जैसे ही ये लोग विधानसभा में गए इन्होंने 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास कर दिया। जरा कांग्रेस वालों को पूछिए ये 370 के पीछे इतना प्यार क्यों है उनको? हमें जम्मू कश्मीर से प्यार है, उन्हें 370 से प्यार है। आप मुझे बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? लाल चौक में तिरंगा फहराया कि नहीं फहराया? लाल चौक में लोगों ने दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? वहां अलगाववादी अलग थलग पड़ गए कि नहीं पड़ गए? इतना ही नहीं, कश्मीर में विकास को नई गति मिली है, वहां लोकतंत्र मजबूत हुआ, दलितों को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद पहली बार दलितों को उनके अधिकार मिले हैं। लेकिन इससे परेशान कौन हुआ? सबसे ज्यादा परेशान हुआ पाकिस्तान और दूसरा कांग्रेस और उसके साथी। अब तक पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर 370 बहाल करने की मांग कर रहा था, कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब कांग्रेस ने पाकिस्तान का एजेंडा जम्मू कश्मीर विधानसभा के